हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर जयेश घुगे फ्रॉम स्माइल प्लीज डेंटल क्लिनिक। आज हम आपके लिए कुछ अलग लेके आए हैं, जहाँ पे आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टीथ फीलिंग के बारे में। जैसे हमने बात की थी कि दांतों में जब सड़न होती है तो फर्स्ट उसमें जो दिखता है वो काला सा धब्बा दिखता है दांत में दिखता है जो, और उसको हम लोग नॉर्मल सीमेंट फिलिंग करके ठीक कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग आज आपको डेमो दिखाने वाले हैं एक मॉडल के ऊपर। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे यहाँ पे मैंने एक मॉडल पे मार्किंग किया हुआ है, समझ लीजिए कि ये दांत में सड़न है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्लीन करते हैं। तो क्लीनिंग का प्रोसीजर मशीन से होता है जिसमें वाटर स्प्रे भी होता है। तो चलिए वो क्लीनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। क्लीन करने के बाद मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ इसको। मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग इसको मशीन से प्लस पानी के स्प्रे से क्लीन करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैंने क्लीन किया है वहाँ पे एक गड्ढा दिख रहा है। अभी ये गड्ढे को भरने के लिए इसमें भरा जाता है सीमेंट। तो आज मैं जो आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट सीमेंट्स विच इज़ कंसिडर्ड, जो सबसे बेहतरीन चीज़ आज की तारीख में मानी जाती है, उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट। तो वो करने के लिए सबसे पहले आपके मुँह को खुला रखा जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सलाइवा का कॉन्टेमिनेशन वगैरह नहीं चाहिए। तो आजू बाजू में कॉटन रख के आपके डॉक्टर उसको मैनेज करेंगे या फिर रबर डैम शीट लगा के उसको मैनेज करेंगे। जब हम लोग फिलिंग चालू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं ये चीज़, इसे बोला जाता है बॉन्ड। डोंट वरी, इट्स नॉट अ जेम्स बॉन्ड। सो इसमें लगाया जाता है बॉन्ड। इट इज़ एक्चुअली अ बॉन्डिंग एजेंट, इसके लिए उसका शॉर्ट फॉर्म बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। तो इसको क्योर किया जाता है, मतलब ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट में, ब्लू लाइट में ही ये सेट होता है। इसका केमिकल रिएक्शन दांत के साथ होता है, तो इसको सेट किया जाता है एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। सो 20 सेकेंड्स आर ओवर। आफ्टर 20 सेकेंड्स फिलिंग मटेरियल, जैसे मैंने बोला था कि कॉम्पोजिट हम लोग फिलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कॉम्पोजिट सिरिंजेस में रहता है जिसको इंस्ट्रूमेंट पे लेके दांत में फिलअप किया जाता है। कॉम्पोजिट में अलग अलग शेड्स आते हैं, आपके दांत के शेड के हिसाब से इसका भी शेड सिलेक्शन किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं ये इसका शेड मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ ये मॉडल के साथ। आई डोंट फील कि वो 100% मैचिंग हो रहा है, बट यस, बहुत हद तक वो मैच हो रहा है। तो इसका एक लेयर बाय लेयर क्योरिंग होता है, मतलब एक लेयर के बाद उसको सेट किया जाता है ये लाइट में, फिर दूसरा लेयर उसके ऊपर ऐड करेंगे हम लोग, एंड फिर तीसरा, जितने ज़रूरी है उतने, डिपेंडिंग कितना डीप कैविटी है। सो फर्स्ट लेयर इज डन। यस, वन मोर लेयर इज रिक्वायर्ड हियर। तो यहां पे मैं दूसरा लेयर भी ऐड कर रहा हूं। इसको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से नेचुरल दांत की तरह शेप दिया जाता है, सो दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो।
इसका फाइनल सेटिंग के लिए हम लोग सो दिस इज द फाइनल क्योरिंग विच वी आर डूइंग. फाइनल लेयर इज क्योर्ड फॉर एटलीस्ट 40 seconds. देन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिलिंग हो चुकी है. इसको फाइनल फिनिशिंग का टच देने के लिए, स्मूथनेस के लिए बर्स आते हैं अलग अलग, उसके अटैचमेंट्स रहते हैं, तो उसको हम लोग इस तरीके से उसको फाइनल फिनिशिंग देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव डन इट. सो गाइस, मैंने आपको आज फिलिंग के बारे में बताया. इस प्रोसीजर में ज़रा भी तकलीफ नहीं होती है, या फिर बहुत रेयरली थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी, वो भी जब हम लोग कर रहे हैं, अगर कैविटी ज़्यादा डीप है तो हो सकती है, बट इन मैक्सिमम केसेस, बहुत सारे केसेस में ये चीज़ में ज़रा भी पेन होता नहीं है. एंड ये बहुत इनिशियल स्टेज में की जाती है प्रोसीजर, इसके लिए काम भी कम होता है, दर्द भी कम होता है. एंड अपने सबके जो दिमाग में हमेशा चलती रहती है बात, खर्चा कितना होगा, तो इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है. तो इसी नोट पे आपसे विदा लेते हैं आज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. कीप वॉचिंग अस.